ओके, सबसे पहले आपको, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। पहली बार मतलब एक नई जर्नी स्टार्ट की है, कैसा लग रहा है आपको? मतलब गाना भी गा रहा है, अपना खुद गाना लिखा, क्या कहना चाहेंगे? मल्टी टैलेंटेड हो गया है, मतलब एक्चुअली वो बचपन से ही ऐसा ही था, लेकिन इतना जल्दी वो सामने आएगा वो पता नहीं था। आप बताइए सर, इंजीनियरिंग कर रहा था, खुद बताया, और बाद में कॉमर्स, मतलब आपने तो काफी डाटा रहा, ये क्या कर रहा है? नहीं नहीं, उसने शुरू में तो काफी अपना माइंड डाइवर्ट रखा है कि कभी कुछ कभी कुछ, और फिर जब यहाँ स्टार्ट हुआ तो आज टीवी में दिखना, यार हर एक की ख्वाहिश है, और ये तो धीरे 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 प्राउड फील करवाता गया है। एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट ही दिए हैं इसने हमेशा। और आप क्या कहना चाहेंगे गाने को, कितना आपको पसंद आया गाना, आपने कितना पसंद आया? ये तो और एक बार फिर से दोनों जोड़ी, ये हम सबका ड्रीम प्रोजेक्ट था, हम बहुत दिनों से इसकी वेट कर रहे थे। तो घर पे भी गाना गाता है भावेन, मतलब कब से ये आपको पता चला कि गाना भी गाने लग गया? भाविन बचपन से गाने गाता है, भाविन के डैडी को भजन का शौक है, वो भजन बहुत अच्छे गाते हैं, और उनके साथ वो कभी कभी जुड़ जाता था, ऐसे 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 उसका आवाज़ खुलता गया, और फिर हिंदी गाने भी वो अच्छे से गाने लगा और स्मूथली गाने लगा। भजन मतलब आप कहीं ना कहीं, आपने ट्रेनिंग तो नहीं दी आपने? ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उसका शौक है। हमारी फैमिली में से कभी कोई किसी चीज़ को लेकर प्रेशराइज नहीं हुआ है कि भाई आपको यही करना है। काफ़ी बार इसने ऐसी जगह मेरे साथ फैमिली फंक्शनों में चला है कि हमें लगता है कि इसका ध्यान नहीं है, बट वो चाहे मोबाइल में भी पड़ा रहे, बट उसकी जब बारी आती है तो सिक्सर ही होता है उसके मुंह से। जैसे कि सोशल मीडिया में भी काफ़ी फेमस है, तो आपने मतलब क्या क्या देखा, मतलब टीवी में तो देखना ही था, लेकिन सोशल मीडिया में भी काफ़ी फेमस है टीम की जोड़ी, टीम की गाड़ा की? बिल्कुल 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 सर, जब भी कभी फैमिली लेके जब हम बाहर निकलते हैं और जब लोग फोटो सेशन करने आ जाते हैं तो प्राउड फील होता है। और अगर हम बात करें फैमिली की, तो मैंने कभी आपको कभी देखा नहीं, मैम को ही देखा, तो आज फर्स्ट टाइम आप दिख रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए, मतलब क्या आपको लेकर आए कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैं अक्सर पीछे ही रहता हूँ, इनको फ्रंट में आना है, फिर इनकी चाची है, छोटा भाई है, यही हमेशा फ्रंट में रहते हैं, मैं कैमरा फेस नहीं करता कभी भी नहीं। बस ऐसे ही इनकी दोस्ती टिकी रहे और आगे बढ़ते रहे। और सर आप भजन भी गाते, तो एक दो लाइन अगर आप ये गाने अगर आप गुनगुना दे तो मजा आ जाएगा, अगर आप गुनगुना दे गीत गीत चाहे तो, या कुछ भी अगर आप भजन चाहे नहीं ठीक है। दिल विच बस जा सजना वे, कहीं ना लगता जी, जिधर देखा तू ही दिसता खोरे की तकी। ओके सही, बहुत शानदार। आखिर में आप फैन से आप क्या कहना चाहेंगे, दर्शकों से जितना जो प्यार देते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि अगर फैंस हैं तो आज भाविन है, फैंस के बिना भाविन कुछ भी नहीं है। जितना प्यार फैंस करते आ रहे हैं आज तक, आज के बाद भी उसको इतना ही प्यार कीजिए, और इसका ये गाना बहुत आगे ले जाइए प्लीज। आप कुछ कहना चाहिए सर? सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है, वैसे फैंस लोगों का बड़ा हाथ है, और ऐसी चीज़ों में मीडिया का भी छोटा हाथ नहीं होता है। जैसे कि आप जैसे अच्छे दोस्त हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं, इन्हें लाइमलाइट में लाते हैं आप, तो थैंक्स सबके लिए है कि फैंस हो, क्विकी हो, मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सबके लिए एक हमारी मेरी भाविन की फैमिली की ओर से हम एक बड़ा सा थैंक्स देना चाहेंगे सर। थैंक यू।